गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चलिए सब लोग अपनी साइंस की बुक निकाल लीजिए, बुक कॉपी। तो साइंस में हम लोग क्या कर रहे थे, हम आज चैप्टर फोर्थ कर रहे थे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चैप्टर फोर्थ क्या हो गया था? चैप्टर फोर्थ हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया था, है ना? यस मैम। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग हमारे चैप्टर फोर्थ की एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है? चलिए तो आज हम लोग क्या करते हैं, हमारे चैप्टर फोर्थ की एक्सरसाइज को करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम फाइव ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। आपको क्या करना है, आपको ऐसे फाइव ऑब्जेक्ट्स के नेम बताने हैं जो किससे बने होते हैं, जो वुड से बने होते हैं, ठीक है? तो आंसर फर्स्ट का ए हो गया आपका, टेबल। और बताइए, टेबल, दो चेयर, और कौन से ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? अब लास्ट ऑब्जेक्ट का नेम आप लोग बताइए, क्या होगा लास्ट ऑब्जेक्ट का नेम? बताइए लास्ट ऑब्जेक्ट का क्या नेम होगा जो वुड से बनते हैं? मैम सोफा। बोर्ड। बोर्ड। ओके, तो ये था आपका आंसर फर्स्ट। सबका कंप्लीट हो गया फर्स्ट आंसर? यस मैम। सुमित समर, कंप्लीट हो गया आपका फर्स्ट आंसर? यस मैम। चलिए अब आते हैं हम लोग हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग विच शाइन। तो क्या करना है आपको, देखिए कुछ ऑब्जेक्ट्स के नेम दिए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? ग्लास बोल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट, ठीक है? आपको ये चार फोर नेम्स दिए गए हैं, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है जो शाइन करता है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? हर्ष बताइए। मैम बताइए क्या होगा इसका आंसर? मैम कौन सा ऑब्जेक्ट है? ग्लास बोल, स्टील स्पून, ग्लास बोल एंड स्टील स्पून। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं? ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हमारे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका, मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। अब आपको क्या करना है, आपको मैच करना है कि किस ऑब्जेक्ट से कौन सा मटेरियल
मतलब कि कौन से मटेरियल से कौन सा ऑब्जेक्ट आपका बना है, बोलिए मैम। ये ब्लू वाला में जी लिखा है क्या मैम? हाँ बेटा, GLASS, ग्लास। तो एक कॉलम में आपको क्या दिया गया है, एक कॉलम में दिया है आपको ऑब्जेक्ट। अब वो कौन से हैं? बुक, टम्बलर, चेयर, टॉय, बुक, टम्बलर, चेयर, टॉय, ठीक। देन आपको मटेरियल्स दिए गए हैं। बेटा अभी हम बुक की एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारे जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेस है उसको कर रहे हैं, ठीक है? बुक में नहीं करना है आपको, सब कॉपी में करना है। ये आपके क्या करे गए हैं, ये आपके ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं कॉलम वन में और मटेरियल दिए गए हैं कॉलम टू में। अब आपको इनसे मैच करना है, ठीक है? और इसका भी ध्यान रखना है कि अगर हमारे एक मटेरियल से दो, अगर हमारा एक ऑब्जेक्ट दो मटेरियल से भी बन सकता है तो तब भी हम क्या करेंगे, उनको मार्क करेंगे, ठीक है? तो देखिए फर्स्ट है हमारा बुक, तो बताइए बुक हमेशा किससे बनती है? बताइए, पेपर से मैम। बुक पेपर से बनती है, तो बुक का क्या हो गया, बुक का हो गया आपका पेपर। पेपर, ओके। चेयर मैम बनती है बुक, बुल से, बुड। अब है बुड से बनती है टम्बलर। टम्बलर क्या है हमारा? गिलास से मैम। टम्बलर किससे बनता है हमारा? मैम गिलास से। मैम ग्लास से बनता है। टम्बलर हमारा ग्लास से भी बनता है, टम्बलर हमारा ग्लास से भी बनता है और प्लास्टिक से भी बनता है, ठीक? यस मैम। टम्बलर, टम्बलर आपके वही डिब्बे होते हैं टिफिन वाले, ठीक है, जिनमें हम फूड को स्टोर करते हैं। तो टम्बलर हमारा किससे बनता है? ग्लास से भी बनता है और प्लास्टिक से भी बनता है। अब नेक्स्ट है हमारा चेयर, तो चेयर हमारी किससे बनती है? मैम बोर्ड। बोर्ड से भी बनती है और प्लास्टिक से भी बनती है, ठीक। चेयर हमारी किससे बनती है? वुड से भी बनती है और प्लास्टिक से भी बनती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉय। अब टॉय हमारा किससे बनता है? टॉय हमारा प्लास्टिक, वुड से भी बनता है से भी बन। और प्लास्टिक से भी बनता है, ठीक। टॉय हमारा किससे बनता है? वुड से भी बनता है और प्लास्टिक से भी बनता है। अब लास्ट बचता है हमारा शू, और शूज हमेशा हमारे किसके बनते हैं? लेदर के।
ठीक मैम। यस मैम। तो ये था आपका मैच द फॉलोइंग। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। ठीक है, क्वेश्चन फोर्थ क्या है आपका? ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स में आपका जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट है वो क्या है? स्टोन इज ट्रांसपेरेंट बाय ग्लास इज ओपेक्यू। तो बताइए क्या स्टोन ट्रांसपेरेंट होते हैं और ग्लास ओपेक्यू ऑब्जेक्ट होते हैं? बताइए क्या होगा इसका आंसर। फर्स्ट है आपका फॉल्स, बल्कि क्या होते हैं? स्टोन आपके ओपेक्यू होते हैं और ग्लास आपके ट्रांसपेरेंट होते हैं। ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके आर पार हम लोग नहीं देख सकते, और ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया? Yes, ma'am. अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, अ नोटबुक हैज लश व्हाइल इरेज डज नॉट हैव। क्या जो नोटबुक्स हैं उनमें लशेड होती है और इरेजर है उनमें लशेड नहीं होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स। फॉल्स। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, चॉक डिसॉल्व इन वाटर। क्या चॉक वाटर में डिसॉल्व हो जाती है? नो मैम। तो क्या होगा? फॉल्स। चॉक कभी भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है। अब फोर्थ है आपका, अ पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर। जो वुड का एक पीस है क्या वो वाटर में फ्लो करता है? यस मैम। तो फोर्थ क्या हो जाएगा आपका? ट्रू। अब फिफ्थ है आपका, शुगर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। क्या शुगर जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है? मैम होती है, फॉल्स हो जाएगा मैम। होती है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? फॉल्स। अब नेक्स्ट है हमारा, ऑयल मिक्सेस विद वाटर। ऑयल क्या वाटर से मिक्स होती है? नो मैम। तो क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स। अब सेवेंथ क्वेश्चन है, सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर। क्या सैंड वाटर में सेटल डाउन हो जाती है? यस मैम। तो क्या लिखेंगे? ट्रू। ट्रू। अब नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, विनेगर डिसॉल्व इन वाटर। क्या विनेगर वाटर में डिसॉल्व हो सकता है? यस मैम। तो क्या लिखेंगे? ट्रू। ट्रू। सबका कंप्लीट हो गया? यस मैम। बताइए सबका कंप्लीट हो गया? यस मैम।
अब नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। अब नीचे आपको कुछ नेम दिए गए हैं, वो किसी ऑब्जेक्ट्स के हैं और किसी मटेरियल्स के नेम हैं। जैसे कि हो गया आपका वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थन पिक्चर्स ग्रुप देम। तो ये आपको कुछ नेम दिए गए हैं, आपको क्या करना है, इनका एक ग्रुप बनाना है। और ग्रुप आपको किसमें बनाना है, फर्स्ट आपको ग्रुप बनाना है आपके फर्स्ट ग्रुप बनाना है आपको राउंड शेप में, और वो दूसरे शेप्स हैं उसमें, और सेकंड बनाना है आपको ईडेबल में एंड नॉन ईडेबल में। ठीक है, तो इसका हम लोग फर्स्ट बनाते हैं ए। क्या है आपका राउंड शेप। अब जो आपको नेम दिए गए हैं उनमें देखिए कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका जो शेप है वो किसमें है, राउंड शेप में। ठीक है, तो देखिए बास्केटबॉल, बास्केटबॉल का शेप कैसा होता है, राउंड होता है। ठीक, देन सेकेंड है आपका एप्पल, एप्पल का शेप राउंड होता है। ऑरेंज, ऑरेंज का शेप राउंड होता है। ग्लोब, ग्लोब का शेप राउंड होता है। एंड अर्थन पिक्चर, इसका भी शेप राउंड होता है। ठीक, तो ये थे हमारे कुछ राउंड शेप्स के नाम। अब हम देखते हैं हमारे अदर शेप्स। अब अदर शेप्स में कौन कौन आ जाते हैं, वाटर एंड शुगर। इनको हम क्या करेंगे, इनको हम जिसमें भी डालेंगे ये क्या होंगे, उसी का ही शेप ले लेंगे, है ना। तो अब नेक्स्ट आता है हमारा ई टेबल्स। अब जो हमें नेक्स्ट ग्रुप बनाना है वो हमको बनाना है ई टेबल्स में एंड नॉन ई टेबल्स में। तो फर्स्ट हम लोग बनाएंगे हमारा ई टेबल्स में। तो ई टेबल्स में क्या क्या आ जाएगा, वाटर, ऑरेंज, शुगर, एप्पल। ये आपके किस पे आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके ई टेबल्स में जिनको हम खा सकते हैं। देन नेक्स्ट आ जाएगा हमारा नॉटी टेबल्स में, वो आइटम जिनको हम ईट नहीं कर सकते। तो हम किस किस को ईट नहीं कर सकते हैं, बास्केटबॉल को, ग्लोव को एंड अर्थन पिक्चर। तो ये था आपका आज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। हो गया, हो गया सबका। यस मैम।
चलिए अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमको क्या दिया हुआ है, हमको कुछ आइटम से लिस्ट बनाने हैं जो किसमें आते हैं, वाटर में, फ्लोट को हो सकते हैं। सब लोग अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसे आइटम्स की लिस्ट बनाने हैं जो क्या हो सकते हैं, वाटर में फ्लो हो सकते हैं, और कुछ ऐसे आइटम्स की लिस्ट बनाने हैं जो ऑयल और साथ में कैरोसिन उसमें भी फ्लोट हो सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट ऑफ आइटम्स फ्लोट और वाटर। अब वाटर में कौन कौन से आइटम फ्लोट हो सकते हैं, पेपर, बोट, थिन प्लास्टिक शीट, वैक्स, आइस, थर्मोकॉल एंड ऑयल। ये क्या हो सकते हैं, ये वो आइटम्स हैं जो वाटर में फ्लो हो सकते हैं। अब सेकेंड आपको बताना है अब आपको ऐसे आइटम्स के नेम बताने जो क्या हो सकते हैं, जो ऑयल में फ्लोट हो सकते हैं, पेपर, प्लास्टिक शीट, वैक्स, थर्मोकॉल एंड वुड। अब लास्ट थर्ड है आपका, उसमें आपको ऐसे नेम बताने हैं, ऐसे आइटम्स के नेम बताने हैं जो क्या हो सकते हैं, जो कैरोसिन में फ्लोट हो सकते हैं, तो कैरोसिन में कौन कौन से आइटम्स आपके फ्लोट हो सकते हैं, पेपर, थर्मोकॉल एंड थिन प्लास्टिक शीट। तो ये था आपका क्वेश्चन सिक्स। सबका कंप्लीट हो गया? यस मैम। अब देखिए अब क्या है, आपको लास्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द ऑड वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, आपको जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से ऑड वन को फाइंड करना है। ऑड वन क्या है, जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सबसे ज्यादा अलग है।
जैसे कि चेयर, बैट, टेबल, बेबी एंड कबर्ड। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में क्या दिया है, चेयर, बेड, टेबल, बेबी एंड कबर्ड। अब ये बताइए जो चेयर है वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो सबसे ज्यादा अलग है? I'm non living thing. ये बताइए सुमित, जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से सबसे ज्यादा कौन अलग है? बेबी ना, बेबी। यस मैम, बेबी। तो बेबी क्या हो गया, बेबी आपका ऑड वन हो गया। तो उस पे आप क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे और क्या लिखेंगे, ऑल आर द नॉन लिविंग थिंग। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको इसके जो बाकी के क्वेश्चंस हैं इसको फाइंड करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक? ओके बच्चों। यस मैम, थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।